बेस्ट मार्वल मूवी ऑफ 2022। तो चलो इसके शुरुआत से शुरुआत करते हैं और ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू हो तो बिंदास इसे देख सकते हो। स्टोरी, अपना टिचाला किंग ऑफ वाकांडा मर जाता है। अब वो कैसे मरता है ये मूवी में ही पता चलता है। अब जबकि कोई किंग नहीं है वाकांडा का, तो बाकी के कंट्रीज प्रेशर डालते हैं वाकांडा पे कि वो अपने वाइब्रेनियम बाकी लोगों के साथ शेयर करे। अब कैसे वाकांडा ये सारी चीज को टैकल करता है, कौन बनेगा नया ब्लैक पैंथर और अपना नमोर क्यों अटैक कर रहा है वाकांडा पे, ये सब मूवी में ही पता चलेगा। इससे ज्यादा बोलना मतलब स्पॉइल करना होगा। अगर इसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, काफी जबरदस्त था। जहाँ तुमको इमोशन का फील होना चाहिए वहाँ तुमको इमोशन फील होता है। जहाँ तुमको एक्शन सीन के दौरान गूजबम्स आने चाहिए वहाँ तुमको प्रॉपर गूजबम्स आते हैं। इसको तुम जितने अच्छे स्क्रीन में देख सकते हो उतना अच्छा स्क्रीन में देखना और भी तुमको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि इसके रन टाइम 2 घंटे 41 मिनट की है, लेकिन पिक्चर तुमको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती है। इंटायर द मूवी तुम अपने सीट से कहीं पर भी नहीं उठ सकते हो। इसकी हर एक सीन देखने वाली है। अगर इसमें एक्टिंग के बारे में बात की जाए, सारे कैरेक्टर्स ने सारे एक्टर्स ने काफी जबरदस्त काम किया है। जैसे कि लैटिया, सूरी, टेनोज, अपना नमोर, इन सब ने अपने परफॉर्मेंस से जान ही डाल दी है। अब तुम किसी और एक्टर को इमेजिन नहीं कर सकते नमोर की जगह पे। सारे लोग ने अपना परफॉर्मेंस काफी सही से दिया है। इसमें तुमको VFX काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। तुमको ऐसा कहीं पर भी फील नहीं होगा कि कुछ महीने पहले हम लोग सीहल्क देखा, इसका VFX CGI काफी टट्टी था। वही चीज हम लोग ने ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर देख रहे हैं कि VFX काफी जबरदस्त है। और इसकी CGI पर भी कहीं कुछ सवाल खड़ा नहीं कर सकता कि इसका CGI खराब हो, काफी अच्छा था। जहां पर बैटल वाले सीन देखने को मिल रहे वहाँ पर इनका CGI VFX काफी शानदार किया गया है। और इसके सिनेमेटोग्राफी के बारे में क्या ही बोलना, रियान कुगलर का डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी के लिए काफी जबरदस्त है। उन्होंने जितने अच्छे से सारे कैरेक्टर को हैंडल किया है उसके लिए तो एक ताली जरूर बजती है। सारे कैरेक्टर को एक अच्छा प्रॉपर टाइम स्क्रीन प्ले देना। इसमें तुमको एक्शन सीन्स भी काफी अच्छे दिए गए हैं। जहाँ जरूरत थी वही एक्शन सीन्स है, जबरदस्ती के एक्शन सीन नहीं डाले गए। अगर तुम ऐसा सोच के जा रहे हो कि ये मार्वल मूवी है तुमको एक्शन सीन्स भरपूर देखने को मिलेंगे, वो तुम हल्का डिसअपॉइंट हो सकते हो कि इसमें एक्शन सीन्स उतने ज्यादा है नहीं। जैसा कि हम लोग पहले से जानते थे, इसमें ब्लैक पैंथर मर जाएंगे और कैसे दिखाएंगे ये मूवी में देखना था। उसी चीज को रखते हुए ये पिक्चर तुमको इमोशनल साइड पे ज्यादा फोकस करती है रादर देन एक्शन सीन्स पे। जो लोग सिर्फ एक्शन सीन्स के लिए देखने जा रहे हैं उनको मेरे ख्याल से डिसअपॉइंट हो सकता है। जो लोग स्टोरी इमोशन फील लेने जा रहे हैं उनको तो ये पिक्चर काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और इसमें तुमको कॉमेडी भी लाइट हार्टेड डाली गई है, कहीं फोर्स फील नहीं होता है। बीच में कहीं सीन के दौरान आ जाएगा जो पूरे मूड को लाइट अप कर देता है। और इस मूवी में तुमको काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और इसे क्लाइमेक्स भी काफी सही थी। इसमें तुमको नमोर एंटी हीरो जो अपना काम बखूबी करता है। इसमें जो इमोशन सीन्स के टाइम जो म्यूजिक यूज किया गया वो काफी सही था, तुमको वो इमोशन पूरा फील करा देता है। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल पिक्चर काफी जबरदस्त था, लेकिन अगर तुम एक्शन सीन्स के लिए जा रहे हो तुम हल्का डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ तुमको इमोशन साइड में ज्यादा वर्क करता है जो कि पिक्चर के लिए काफी जरूरी भी था। और सेकेंड हाफ में तुमको इमोशन प्लस एक्शन देखने को मिलते हैं, काफी सही से ब्लेंड करते हैं पूरी पिक्चर में। और ये लोग अपने पूरे कल्चर को भी काफी सही से दिखाए हैं। जहाँ नमोर का टेलीकॉन ले लो और यहाँ वाकांडा का ले लो, जो भी ओरिजिनल लैंग्वेज लोग बात कर रहे हैं, जितने भी लैंग्वेज लोग के थे वो ओरिजिनल में ही रखे गए हैं। तो मूवी का एक्सपीरियंस तो काफी जबरदस्त था। और इसकी हिंदी डब के बारे में बात करते, हिंदी डबिंग काफी सही थी, कहीं पर कोई आलतू फालतू के डबिंग नहीं की गई है। और इसमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। हाँ, मैं यही कहूंगा अगर अभी तक तुमने वाकांडा फॉरएवर नहीं देखा है इसको जाकर चेक कर सकते हो, एक तुमको अच्छा मार्वल की तरफ से सेटिस्फाइंग मूवी मिलता है। बस इन्हीं सब बातों के साथ अगर तुमने वाकांडा फॉरएवर देख लिया है तुम बताओ तुम्हें वाकांडा फॉरएवर कैसा लगा है। तो अगर तुमने मेरी वाकांडा फॉरएवर की प्रिडिक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने स्टोरी पे एडिट करने का ट्राई किया था, तो इधर कहीं फ्लैश हो रहा होगा, जाकर उसे चेक कर सकते हो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमैटिक बस्ट।